राधे पश्चात आपको बताया गया कि माया संबंधी जगत का सुख मेरा सुख नहीं है, ये अनुभव है। अनादि काल प्रतिक्षण संसार के सुख का अनुभव कर रहे हैं। संसार तीन गुण का होता है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्ते नाम भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताष्टोत्तरोपनिषद 4-5। नारायण पूर्व तापनीयोपनिषद का 5वां मंत्र भी है ये। यानी एक सात्विक माया होती है, एक राजस माया, एक तामस माया। तो सात्विक जो माया है उसका बहुत बड़ा सुख होता है। थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे, जब आप लोग सोने जाते हैं और ऐने बैने ढंग से पैर करते हैं, हाथ करते हैं, सिर करते हैं अपनी पलंग पर, सबका अलग अलग स्टाइल है, तो उस समय जब आप ध्यान करते हैं सो जाऊं, तो जब जागृत से आप स्वप्न में घुसे, यानी सो जाऊं, वो घुसते समय जो आपको आनंद मिला वो माया का सात्विक सुख है। इससे भी बड़ा सुख ज्ञानियों को मिलता है आत्मज्ञान की समाधि में, लेकिन वो भी माइक। तो माया का सुख भी कोई साधारण नहीं होता। अगर आत्मज्ञानियों वाला सुख आपको मिल जाए कभी, तो आप कहेंगे हो गया, मिल गया भगवान का सुख, आप कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वह भी सात्विक सुख है। सात्विकम सुख मात्मोत्थम भागवत। ये आत्मा का सुख है सात्विक। तो संसार का सुख भी वो आभास है असली सुख का, असली सुख नहीं है। तो फिर ठीक है, हमारा जो सुख है, हमारा आनंद, वो आनंद में है। आनंद माने भगवान, भगवान माने श्री कृष्ण। मैंने तीन रूप बताए थे ना श्री कृष्ण के, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्म तो आपको मैंने बताया था कि केवल सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कुछ करता नहीं,
न उसके नाम है, न उसका रूप है, न उसका गुण है, न उसकी लीला है, न उसके धाम है। नहीं है तो, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। देखो बीज होता है ना, गेहूं का, धान का, चने का, आप लोग उसका आटा बनाते हैं, यही गेहूं खेत में डालते हैं तो पेड़ बनता है। तो उस गेहूं के बीज को जब आप देखते हैं तो कहते हैं हाँ, इसमें आटा है और थोड़ा चोकर है, बस इसी का नाम गेहूं है। नहीं नहीं, इसमें पेड़ है, डाले हैं, पत्ते हैं, फूल है, और एक बीज में 50 बीज पैदा करने की शक्ति भी है। जब खेत में डाला तो 2 महीने बाद देखा, अरे तू वैसे ही, ये ब्रह्म में शक्तियां तो सब हैं, अरे वो श्री कृष्ण ही तो है, लेकिन प्रकट नहीं होती। 1 साल 2 साल 10 साल बोरे में रखे रहोगे हूं, अंकुर नहीं पैदा होगा। और दूसरा रूप जो परमात्मा का है वो 3 प्रकार का होता है। एक परमात्मा का रूप होता है कारणाणवशायी, कारणाणवशायी, अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो व्याप्त होता है परमात्मा का रूप, माया से स्पर्श नहीं है उसका। और दूसरा है परमात्मा का रूप उसी कारणारणोशाही का अंश गर्भोदशाही, वो एक ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा। और तीसरा उसी का रूप है क्षीरोदशाही, वो सबके हृदय में रहता है। जो मैंने बताया था ना, 2 पर्सनैलिटी आपके हृदय में है। और द्वितीय जो क्षीरोदशाई के ऊपर है गर्भोदशाई, उसी के अंश है ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ये अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है। क्यों? वो एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। जैसे हमारे भारत में एक एक प्रांत में एक एक राज्यपाल होता है, गवर्नर, ऐसे ही 3-3 गवर्नर होते हैं एक एक ब्रह्मांड में। और असंख्य ब्रह्मांड हैं। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मांडों को कोई गिन नहीं सकता, करोड़ अरब नहीं, अनंत हैं। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, इनके ऊपर वो कारणारणवशायी महाविष्णु हैं, वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं। जस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्त लोम बिलजा जगदण्डनाथा, विष्णुर्महान् सह्यजस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्म संहिता में कहा था 5:48। उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया गया,
क्या क्या उनमें गुण है, क्या क्या शक्तियां है। ओ, केवल एक दिग्दर्शन, जहां तक शब्द जा सकता है वहां तक आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि उस भगवान रूपी आनंद को पाने के लिए उसको जानना होगा। जब जानने का प्रश्न आया और वेदों के पास गए तो उन्होंने जवाब दे दिया, कोई नहीं जान सकता, खबरदार। जानने की जरूरत न करना, मर जाओगे। जब गहरा पानी होता है और कोई तैरना नहीं जानता तो लोग कहते हैं ए आगे नहीं जाना, डूब जाओगे। और क्यों डूब जाओगे ये भी बताया गया कि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है तैरने की, यानी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, वो वहां नहीं जा सकते। हम निराश हुए, लेकिन फिर वेदों ने हमको सहारा दिया कि नहीं नहीं वो जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है, तदर्थ उसकी कृपा अपेक्षित है। वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की पावर दे देता है, वो जीव उन भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, रस ले सकता है, स्पर्श कर सकता है, ध्यान कर सकता है, जान सकता है। इसके पहले कुछ नहीं। तो ध्यान करना भी नहीं, नहीं। अरे क्या है क्या ध्यान करोगे, मन जहां तक जाएगा वो सब माइक होगा। तो वो कृपा किस पर आधारित है, यहां तक आप गए थे, अब आगे चलिए। कृपा के लिए हमको भी कुछ करना होगा। देखो, कोई वस्तु सामने है, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए, आँख। आँख में मोतियाबिंद ना हो, ठीक ठाक हो आँख, तो सामने की वस्तु दिखाई पड़ती है। हाँ, लेकिन अंधेरा हो तो नहीं दिखाई पड़ती। और बढ़िया आँख है, अरे वो कितनी बढ़िया हो जी, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ती कोई चीज। तो इसका मतलब प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो। हाँ, दोनों कंपलसरी है। तो उसी प्रकार वेद कहता है, तप प्रभावा देव प्रसादा च। तप और कृपा मिक्सचर हो करके, यानी हम भी चले कुछ दूर, वो भी आवे कुछ दूर, तब मिलन हो। अपनी जगह खड़े रहेंगे तो नहीं होगा। अरे तो हम कहां तक जाएंगे, जहां तक जा सके जाए, जब
थक जाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब हमको भी कुछ करना है तब वो कृपा मिलेगी। क्या करना है हमको? वेदों के पास चलो। वेदों ने उपनिषदों में वेदों का जो उत्तर भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। समझ लो सब लोग क्या बलाय है उपनिषद, जिसकी तारीफ मैक्स मूलर, शापनहार, बड़े बड़े विदेशी लोगों ने की है कि उपनिषद तो सूरज के समान है और देशों की जो फिलॉसफी है वो किरण के समान है। तो उपनिषद वेदों का उत्तर भाग है, उसका सार। और उपनिषदों का सार है वेदांत, ब्रह्म सूत्र जो हम बोलते हैं ना, वेद व्यास का। और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद इन सब का सार है भागवत। गरुड़ पुराण में कहा गया है अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। हमसे लोगों ने कहा कि सब जगत गुरुओं ने वेदांत पर भाष्य लिखा है, शंकराचार्य ने शुरू किया पहले। भाष्य माने मतलब अर्थ, क्योंकि वो छोटे छोटे सूत्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जता हो गया, तत्व समन्वयात हो गया, स्मृतेश्च हो गया, स्मरन्ति च हो गया, दर्शनाच हो गया। ऐसे ऐसे सूत्र है दो दो शब्द के, और उनका अर्थ बड़ा लंबा लिखा है इन लोगों ने। एक सूत्र का अर्थ 250 पेज में, इतना कौन पढ़े कौन समझे। तो इसका जो अर्थ है सब जगत गुरुओं ने लिखा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, खाली शंकराचार्य से बहुत ज्यादा अंतर है, उल्टा है बिल्कुल। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण माइक है, सत्वगुणी है, ब्रह्म नहीं है। और श्री कृष्ण की भक्ति भी किया है, दोनों बातें हैं उनकी। वो मैंने आपको कई बार बताया है कि वो भगवान कृष्ण की जो आज्ञा थी उसी के अनुसार उन्होंने ये सब किया है, लेकिन भागवत को नहीं छुआ शंकराचार्य ने। क्योंकि अगर भागवत का भाष्य लिखते तब तो पहले ही उनको मानना पड़ता श्री कृष्ण ब्रह्म के बाप है। बाप माने प्रतिष्ठा, आश्रय, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हो ममृतस्याभ्यस्य च। मैंने बार बार आपको बताया है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है, श्री कृष्ण है। परमात्मा का आश्रय
श्री कृष्ण हैं, समस्त अवतारों का आश्रय श्री कृष्ण हैं, सब उन्हीं से संबद्ध हैं, उन्हीं के अंडर में हैं। तो मैंने कहा जब वेद व्यास ने स्वयं लिखा है गरुड़ पुराण में, सब लोग ध्यान से समझो, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, मेरे ब्रह्म सूत्र वेदांत का अर्थ मैंने स्वयं लिख दिया 18,000 श्लोक में भागवत में। सब लोग पढ़ लेना, अपनी टांग ना अड़ाना कोई, और फिर भी अड़ा दिया सबने। शंकराचार्य ने भी टांग अड़ाया, रामानुजाचार्य ने भी, निम्बार्काचार्य ने भी, माध्वाचार्य, सबने भाष्य लिखा, महाप्रभु जी ने नहीं लिखा। उन्होंने कहा अरे जब स्वयं वेद व्यास कह रहे हैं भगवान के अवतार कि मैंने भाष्य लिख दिया, भागवत ये भाष्य है असली मेरे वेदांत का, तो फिर मैं क्यों लिखूं? अगर मैं कुछ अलग लिखूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं वेद व्यास के खिलाफ हूं, और अगर खिलाफ हूं तो फिर मैं ब्रह्म सूत्र का अर्थ नहीं लिख रहा हूं, नहीं जान रहा हूं। अरे भाई जैसे मान लो हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ताली बजा दें, अब आप लोग मेरी ताली का मतलब निकालो, क्यों ताली बजाया? लेकिन मैंने क्यों बजाया इसको तो मैं जानता हूं। अगर मैं बता दूं कि मैंने ताली क्यों बजाया तो सब समझ लेंगे, अब समझ में आया क्यों बजाया। ऐसे पहले कैसेट ये लोग रिकॉर्ड करते थे तो कहते थे महाराज जी हमारा कैसेट खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे हाथ उठा देंगे, तो आप तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, यानी कुछ गोली वोली निकालिए, कुछ यों कीजिए, तब तक मैं कैसेट बदल लूं। तो हमको वैसे मानना पड़ता था, नहीं तो वो 4-5 वाक्य उनके टेप में आएंगे नहीं। और ये फिलॉसफी तो ऐसा सब्जेक्ट है, एक शब्द भी गड़बड़ कर दो तो सब उल्टा हो जाएगा। अब देखो ना, एक शब्द ही की तो बात है कि एक कहता है ब्रह्म निराकार ही होता है, बस लड़ाई हो गई। ब्रह्म साकार ही होता है, अब असल में क्या है ही न कहो भी कह दो, झगड़ा कह दो। ब्रह्म निराकार भी होता है, ब्रह्म साकार भी होता है, एक शब्द का मामला सब उल्टा हो जाता है।